हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमलदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके जो लोगों की बहुत डिमांड में रहता है। सब कहते हैं प्री लॉन्च आ रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्च आ रहे हैं, अंडर दी कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कोई मेरे लिए रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट भी लेके आओ। तो आज पहली बार आपका भाई आपके लिए लेके आया है गुड़गांव के अंदर सबसे प्राइम लोकेशन सेक्टर 99A बैंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे से जो कनेक्टिविटी रहेगी इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल डायरेक्ट हाईवे से रहेगी, जो करीबन 150 मीटर वाइड रोड है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के साथ में बात करूँ, कमर्शियल है, आप अगर वहाँ पे देखना चाहें वो ओकस मेडले है, ऑपरेशनल मॉल है जिसके अंदर आज के टाइम पे आपका बीकानेर आ चुका है, KFC आ चुका है और भी मल्टीपल आपके फूड एंड बेवरेजेस के रेस्टोरेंट्स, उसके अलावा आपका कट एंड स्टाइल सलून गीतांजलि, ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइडेड आपको आज के टाइम पर कर दी जाती है। अब हम आते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो ये प्रोजेक्ट है, आपने बहुत टाइम पहले नाम भी सुना होगा, एक प्रोजेक्ट था वाटिका का, वाटिका सोवरेन पार्क जो इनका लग्जरी प्रोजेक्ट था। अभी ये वाला प्रोजेक्ट जो है सेल के लिए है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, विद इन 4 to 5 मंथ में इसका परमिशन हम देना चालू कर देंगे। OC इसका अप्लाई कर दिया है। सेक्टर 99 के अंदर ये प्रोजेक्ट है वाटिका सोवरेन पार्क। आप पूरा प्रोजेक्ट देख सकते हो, पूरा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको दिखने में आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिखेंगे तो TOD के अंदर आते हैं, जहाँ पे लैंड होता है 15 एकड़ का, तो अपार्टमेंट्स भी 1500 से 2000 अपार्टमेंट्स होते हैं। इकलौता प्रोजेक्ट है पूरे हाईवे के ऊपर जहाँ पे आपका 10 एकड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 325 अपार्टमेंट है। मतलब डेंसिटी यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट खरीदते हो तो आप एक अपार्टमेंट नहीं, अपना सपनों का घर खरीद रहे हो। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, प्रॉपर्टी करीबन करीबन 10 एकड़ के अंदर ये वाली आती है। इसके अंदर 3 BHK एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन हैं, बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। फेज़ 1 इसका डिलीवरी पे आ चुका है, फेज़ 2 अभी ये ओपन कर रहे हैं सेल करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने सुना होगा एक FDI कंपनी है जो सिंगापुर बेस है एक्सपीरियन की, वो कंपनी इसको फंड कर रही है। ऑलरेडी फंड आ चुका है, काम चालू हो चुका है, फेज़ 1 डिलीवरी पे है, फेज़ 2 का अभी हम यहाँ पर सेल ओपन कर रहे हैं। बाकी की प्रेजेंटेशन मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर चल के देता हूं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। प्लीज कम। सो दिस इज द एंट्री गेट, बहुत बड़ी एंट्री है। एंट्री एग्जिट आपके सामने है, डायरेक्ट आपका सामने हाईवे है, सर्विस लाइन निकलेगी, ग्रीन बेल्ट बनेगी और ग्रीन बेल्ट के बाद हमारा ये वाला प्रोजेक्ट आ जाता है। एंट्री गेट ये आप जो देख रहे हो साइडों में, पूरा का पूरा आपका व्हीकल जोन है। यहाँ से आपकी गाड़ी जाएगी बेसमेंट में, बेसमेंट से सीधा बाहर आएगी तो सोसाइटी के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर गाड़ी का कोई भी आना जाना नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं, आपके जो फैमिली है, आपके जो सीनियर्स हैं, वो सबके सब यहाँ पे अंदर सेफ रहते हैं। तो ये है फेज़ 1 जो डिलीवरी पोजिशन पर आ चुका है। अंदर 4 to 5 मंथ में इसका पोजिशन आ जाएगा। डेवलपर कह रहा है मैं दिवाली से पहले पहले इस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर भी कर दूंगा, तो होपफुली डिलीवरी आपको मिल जाएगी टाइम से। तो अभी हम खड़े हैं वाटिका सोवरेन पार्क के सेल्स गैलरी में। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, 150 मीटर वाइड रोड जो दिल्ली से आ रहा है और NH8 पे जो अपना खिड़की दोला मानेसर वाला टोल है वहाँ पे इसका एग्जिट है और इसकी स्टार्टिंग जो रहेगी वो रहेगी शिवमूर्ति से, ठीक है। 29 किलोमीटर का ये पैच है, जिसमें से 18 किलोमीटर गुड़गांव में आता है, 11 किलोमीटर आपका दिल्ली के अंदर आता है। तो जो मेजर डेवलपमेंट चल रही है आपकी वो गुड़गांव में चल रही है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट चल रही है वो सारी आपकी चल रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली द्वारका के अंदर, जहाँ पे आपका IICC आ रहा है, ऑलरेडी रेडी भी हो गया है। अब से जितने भी एक्सपो होने हैं सारे वहीं पर होने हैं, प्रगति मैदान, गोल्फ कोर्स हो गया आपका, ये भी आपका रेडी हो गया है। OMEX एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पर, जो फुटबॉल ग्राउंड रहेगा जहाँ पर एनुअल टाइम पर ओलंपिक्स होने हैं फुटबॉल के, वहीं पर होंगे। अभी हम आते हैं प्रोजेक्ट में। तो दिस इज़ द ओवरऑल आर प्रोजेक्ट। डायरेक्ट जो एंट्री रहेगी प्रोजेक्ट की वो आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से रहेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे से हम आएंगे, बीच में आपकी ग्रीन बेल्ट आती है, देन आपका सर्विस रोड आता है 24 मीटर का, और 24 मीटर रोड से डायरेक्ट एंट्री रहेगी हमारे प्रोजेक्ट की। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है हमारा करीबन 10.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटल 12 टावर्स हैं। 12 टावर्स में हमने यहाँ पे कोई 2 BHK अपार्टमेंट नहीं निकाले हैं, हमने यहाँ पे सारे के सारे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं, सो दैट कोई भी फैमिली आती है उसको रहने में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो साइजेस को लेके। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द साइजेस। सो दिस इज जो आप ये हाई राइज आइकॉनिक टावर्स देख रहे हैं, ये ग्राउंड प्लस 19 की हाइट के टावर्स हैं। दीज बोथ आर द 3 BHK फ्लैट्स। एक फ्लोर पर 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे, वो हमारा फेज 2 है।
आप यहाँ पे आइए, ये देखोगे अगर आप, ये पूरा का पूरा हमारा फेस वन है जिसके अंदर यहाँ पे 6 टावर हैं और यहाँ पे हमारे अगेन 6 टावर आ जाते हैं। ठीक है, 6 टावर्स के अंदर हमारे जो आप ये वाले क्लस्टर देख रहे हैं इसके अंदर सारे का सारा 4 BHK है एंड दिस इज़ द 3 BHK अपार्टमेंट। अगर मैं 3 BHK के अंदर साइजेस की बात करूँ तो 3 BHK का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा करीबन 2350 स्क्वेयर फिट का फेस वन के अंदर, और अगर मैं बात करूँ हमारे 4 BHK अपार्टमेंट की तो 4 BHK का साइज़ रहेगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 3365 स्क्वेयर फिट का। हर एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे, चाहे वो 3 BHK हो चाहे वो 4 BHK हो, सारे अपार्टमेंट्स हमारे 2 साइड ओपन रहेंगे। ऑलमोस्ट हमारे अपार्टमेंट सारे के सारे कुछ एक्सप्रेसवे फेसिंग हैं और कुछ सेंट्रल ग्रीन फेसिंग है, तो हर एक अपार्टमेंट से आपको जो विजिबिलिटी है एक्सप्रेसवे की या ग्रीन एरिया की वो आपको कम्प्लीटली विजिबल हो जाती है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड फेज, सो दिस इज़ द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में आप जो कॉर्नर अपार्टमेंट्स देख रहे हैं इस वाली लाइन के अंदर, ये हमारे सारे 3 BHK रहेंगे जिसका साइज़ आ जाएगा 2690 स्क्वेयर फिट का। इसके बाद आप जो बीच वाले टावर्स देख रहे हैं ये ग्राउंड प्लस 12 के हैं, ग्राउंड प्लस 12 के अंदर 2 रहेंगे ऊपर के पेंट हाउसेज, नीचे के 10 फ्लोर रहेंगे 4 BHK के। कोने वाले जो आप देख रहे हैं 3 BHK हैं ग्राउंड प्लस 10 की हाइट के। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, ये हमारे डेडिकेटली 3 BHK का टावर है जिसकी साइज़ रहेगी 2350 स्क्वेयर फिट की और ग्राउंड प्लस 19 आइकॉनिक टावर रहेगा, अगेन ये वाला। बीच में पूरा सेंट्रल ग्रीन है, पीछे आप देख रहे हो बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे स्विमिंग पूल आ जाता है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। करीबन 1,10,000 स्क्वेयर फिट का इनका क्लब हाउस है जो डेडिकेटली इन्होंने हर एक टावर के नीचे आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, पीछे जस्ट आप देखोगे यहाँ पे इनका AWS है, तो AWS इन्होंने ये नहीं कि सोसाइटी के अंदर से ही दे दिया या फिर एंट्री एग्जिट भी सोसाइटी के अंदर से दे दी, पीछे से एक और आपका 15 मीटर का रोड निकल रहा है जिसकी AWS की एंट्री स्पेसिफिक वहीं से रहेगी, मतलब सोसाइटी से उसका कोई लेने देना नहीं रहेगा। तो मेन एंट्री आपकी हो गई बाई द्वारका एक्सप्रेस वे, एक एंट्री एग्जिट आपको 15 मीटर रोड से भी मिल जाता है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या हम पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, बट हाँ अभी के लिए मैं आपको प्रॉपर्टी का एक हमारा सैम्पल कह लो या फिर एक एक्चुअल फ्लैट कह लो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ कि आपको किस तरीके का क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपार्टमेंट 4 BHK हो या फिर 3 BHK हो। तो अभी हम चलते हैं हमारे एक्चुअल अपार्टमेंट की तरफ में। तो अभी हम आ गए हैं टावर में जहाँ पे हमारा 4 BHK का अपार्टमेंट अवेलेबल है। एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाऊंगा, कोई सैंपल नहीं है, विदाउट फर्नीचर सिंपल जैसा आपको हम प्रोवाइड करेंगे वैसा ही रहेगा। ये हमारी लिफ्ट लॉबी रहेगी, 2 लिफ्ट रहेगी, 2 ही अपार्टमेंट हैं एक फ्लोर पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट। फर्स्ट दिस इज द सर्वेंट रूम, सर्वेंट की जो एंट्री एग्जिट रहेगी वो बाहर से ही रहेगी। ये हमारे घर की एंट्री है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ का फोयर एरिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है। एंट्री के साथ ही साथ में आपका पाउडर रूम आ जाता है यहाँ पे फॉर योर गेस्ट। रूम के अंदर आपको हम वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं, ACs लगा के दे रहे हैं। सबसे बड़ी USP इस अपार्टमेंट की ये है कि हमने यहाँ पे अलमीरा के लिए आपको प्रॉपर एक क्लोजेट दिया है जो आपका सीधा वॉशरूम से कनेक्ट है। हर एक रूम के साथ आपका वॉशरूम भी अटैच रहेगा, एज इट इज आपको वॉशरूम इसके अंदर हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये है हमारा गेस्ट रूम। नाउ वी आर कमिंग इन द लिविंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। सो दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। स्पेस देखो आप, क्या ये स्पेस आपको गुड़गांव में कहीं पे भी मिल सकता है? मेरे को तो नहीं लगता कहीं पे मिलेगा। इतना बड़ा लिविंग एरिया जहाँ पे आप चाहो तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपना एक फैमिली लोन एरिया बना सकते हो, एक अपना लिविंग एरिया बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बालकनी की, ये देखिए आप बालकनी, बालकनी कम डेक है ये, मतलब आपको अपने घर में कोई भी एक गैदरिंग करनी है, कोई पार्टी करनी है तो इस एरिया में आके आप इजीली अपनी 20 से 25 लोगों की पार्टी इजीली कर सकते हो इस बालकनी के साथ। और अगर हमें इस पूरे अपार्टमेंट को ओपन कर दें तो आपके पास पूरा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे एक छोटी पार्टी अरेंज करने का, किटी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी, बेबी पार्टी, बच्चों के बर्थडे की पार्टी कर सकते हैं आप। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट जो हमारे घर की रानी होती है, घर की लेडी, तो लेडी किचन यहाँ पे रहेगा हमारा। किचन का आप साइज देखो, फुली मॉड्यूलर किचन है जैसा आप देख रहे हो, एज इट इज आपको हम किचन प्रोवाइड करने वाले हैं विद यूटिलिटी बालकनी। ये रहेगी यूटिलिटी बालकनी, सर्वेंट की एंट्री मैंने आपको बताई थी बाहर से है,
तो डायरेक्ट सर्वेंट रूम ये रहेगा, सर्वेंट का वॉशरूम ये रहेगा, और सर्वेंट की एंट्री वहाँ से रहेगी। अगर आप चाहो अपने घर को अंदर से लॉक कर सकते हैं, सो दैट रात के टाइम पे आपका जो सर्वेंट है आपके घर के अंदर नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं तो। नाउ वी आर कमिंग इन द सेकेंड रूम। दिस इज द सेकेंड रूम विद वुडन फ्लोरिंग विद एसी। एक ही प्लांट्स बालकनी रहेगी आपकी, इन्होंने कोई विंडो नहीं दिया है, प्रॉपर एक बालकनी विंडो दिया है। यहाँ पे अपने प्लांट्स लगा सकते हो आप इजीली, और सामने का आप व्यू देखोगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेसिव व्यू आ जाता है आपका। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था कि पूरे घर के अंदर जितने भी रूम्स है उसके अंदर आपको अलमीरा बाहर नहीं लगानी पड़ेगी, तो पूरे क्लोजेट्स दिए हैं, तो ये आपका क्लोजेट स्पेस इस रूम का आ जाता है। ये आपका वॉशरूम अटैच है। दिस इज द 4 BHK अपार्टमेंट, 3365 स्क्वेयर फीट। नाउ वी आर गोइंग इन थर्ड बेडरूम। दिस इज द थर्ड बेडरूम विद बालकनी विद अटैच वॉशरूम। अगेन क्लोजेट स्पेस इन योर ऑन रूम एंड अटैच वॉशरूम। वुडन फ्लोरिंग, एसी प्रोवाइडेड बाय वाटिका ओनली। ये रहेगा आपके घर का मास्टर बेडरूम। एक बार आप इस मास्टर बेडरूम को देखो पूरा, कितना बड़ा मास्टर बेडरूम है। मुझे लगता है कि जो 3365 स्क्वेयर फीट का साइज है, मुझे लगता है उन्होंने पूरा ही स्पेस यूज कर लिया है। मुझको लगता है कारपेट इनका इतना होगा, बट कारपेट इतना नहीं है। इसमें करीबन 25% की लोडिंग है, तो करीबन 75% आपको इसके अंदर यूजेबल स्पेस मिल जाता है। तो अभी के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर आप देखोगे 40 से 50% की लोडिंग है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 25% की लोडिंग है, और अगर हम इस प्रॉपर्टी की साइजेस की बात करें तो सिर्फ 2 ही साइज दिए हैं, ज़्यादा कोई साइज भी नहीं दिए हैं। तो पूरी फैमिली आप यहाँ पे लेके आते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ इजीली यहाँ पे रह सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्लोजर स्पेस रहेगा, ये आपका वॉशरूम रहेगा अटैच। यहाँ से आप देखोगे स्पेस, अगर मैं बात करूँ आप यहाँ से खड़े होकर देखो सामने का व्यू, इतनी लंबी स्पेस है कि आप खड़े होकर यहाँ से क्रिकेट भी खेल सकते हो। सो दिस इज ओवरऑल आर 4 BHK अपार्टमेंट। कोई भी क्वेरी हो अपार्टमेंट को लेके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको और वीडियोज देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतने ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। मुझे याद करते रहना। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस प्रोजेक्ट को लेके या फिर किसी भी अनदर प्रोजेक्ट को लेके गुड़गांव में, तो प्लीज़ कॉल मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ जाएगा, हमारी ईमेल आईडी आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी, इंस्टा आईडी आ जाएगी, व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं।